के नौजवानों से एक अपील करना चाहते हैं। आज सरकार के द्वारा एक बहस छेड़ी गई है देशभक्ति बनाम देशद्रोह का। हम ये कहना चाहते हैं कि जब मुल्क में इस समय इस तरह की बात हो रही है, सबसे पहले हमको इस बहस की प्रासंगिकता के बारे में सोचना चाहिए। इस देश के अंदर जब नई सरकार बनी तो मुद्दा क्या था? विकास। मोदी जी को विकास पुरुष कहा गया था और उन्होंने वादे क्या किए? उन्होंने कहा कि हम 15 लाख रुपया ब्लैक मनी को वापस लाकर सबके अकाउंट में पहुंचाएंगे, महंगाई को कम करेंगे, महिलाओं पर अत्याचार को कम किया जाएगा, बुलेट ट्रेन चलाया जाएगा और देश के अंदर FDI को लाकर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन 2 साल आते आते सरकार अपने इस एजेंडे से पीछे हट चुकी है। सबसे पहले तो उन्होंने अब विकास की जगह राष्ट्र का नाम लेना शुरू कर दिया है। अच्छी बात है कि आप राष्ट्र का नाम ले रहे हैं, लेकिन क्या राष्ट्र राष्ट्र के लोगों के बिना होगा? अगर हम राष्ट्र के लोगों की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि राष्ट्रवाद भी लोगों का वाद होगा, जन का वाद होगा। और जन की बात की जब हम बात करेंगे तो उन सारी योजनाओं के बारे में हमें बात करनी चाहिए जो हमारे देश के अंदर मौजूदा परिस्थिति में लागू है। और उन योजनाओं को जब हम देखते हैं तो समझ में आता है कि राष्ट्रभक्ति क्या है और राष्ट्र के खिलाफ कौन काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि स्टूडेंट्स के ऊपर सब्सिडी का पैसा खर्च किया जाता है और स्टूडेंट जो है वो सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं। हम बताना चाहते हैं कि इस देश के अंदर 6.11 लाख करोड़ रुपया सब्सिडी पे खर्च किया गया इस देश के अंदर बड़े पूंजीपतियों को कर्ज देने, और उसी में से एक पूंजीपति करोड़ों रुपया लेकर के जो BJP से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे राज्यसभा के, वो बाहर चले जाते हैं, उनको भगा दिया जाता है यहाँ से, उनका नाम विजय माल्या है, तब सब्सिडी का सवाल नहीं उठाया जाता। ये कहा जा रहा है कि इस देश के अंदर हम नौजवानों के लिए रोजगार की बात करते हैं तो कुछ नौजवान सरकार की आलोचना करते हैं, आप नौजवान की बात नहीं करते हैं। अगर आप नौजवान की बात करते तो 16 करोड़ लोग जो अपना नाम रजिस्टर करवाए हैं बेरोजगारी रजिस्टर में, उनके लिए आप रोजगार पैदा करते हैं। उनके लिए रोजगार पैदा करने के नाम पे जो आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, उस पे जो फंड खर्च किए जा रहे हैं, उससे 1 लाख रोजगार भी पैदा करना संभव नहीं हो पाएगा। अगर हम बजट की बात करें तो इस बजट का 0.5% इस देश के 1/3 लोगों के ऊपर खर्च होता है और 1/3 बजट का हिस्सा 0.5% लोगों के लिए खर्च होता है। मतलब ये है कि हमारे देश में साफ साफ एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी दिखती है और वो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इसलिए है क्योंकि सरकार की जो योजना है उन योजनाओं में आम लोगों के बारे में कोई खास चीज़ नहीं है, आम लोगों की जो समस्याएं हैं उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। और शायद यही वजह है कि इस देश के हर एक घर में एक नौजवान बेरोजगार है। और इस देश की इकोनॉमिक डिस्पैरिटी की अगर हम बात करते हैं तो इसका शिकार सबसे ज़्यादा कौन लोग होते हैं? अगर हम गरीब लोग की बात करते हैं तो इस देश में कौन लोग गरीब हैं? इस देश के अंदर दलित, आदिवासी, तक, महिलाएं, यही लोग हैं जो गरीब हैं। अगर हम गरीबी का भी प्रतिशत निकालें तो इस देश के अंदर जो गरीबों की संख्या है उसमें 80% यही दलित, आदिवासी और पिछड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं। इसीलिए हम जब ये कहते हैं कि यह सरकार माइनॉरिटी के खिलाफ है तो इस बात से हमको बचना चाहिए। यह सरकार माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है, यह सरकार मेजॉरिटी के खिलाफ है। और इसकी जो पूरी बजट योजना को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इकोनॉमी का एक एक पैसा कहाँ जा रहा है। FDI की बात की जा रही है, FDI का मात्र 15% उत्पादन में जाता है, बाकी 85% जो है फंड वो कैसिनो कैपिटल में जाता है, आप कह सकते हैं सट्टा बाजार में जाता है जहां बैठकर लोग जुआ खेलते हैं जिसका लोगों के जीवन से कोई लेना देना नहीं है। यह पूरी जो इकोनॉमिक परिस्थिति है हमारे देश की, उसे हमारे देश की राजनीति अछूती नहीं रह चुकी। इसीलिए हमने कहा कि इस देश की पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स की बात करना पड़ेगा। और इकोनॉमिक्स में जब हम इस ऊंच नीच को देखते हैं, इस असमानता को देखते हैं, शायद यही वजह है कि राजनीति के अंदर जो विकास मुद्दा बना था, आज उस विकास के मुद्दे को राष्ट्रवाद के साथ भुलाने की कोशिश की जा रही है। अगर हम राष्ट्र की भी बात करें, राष्ट्र के लोगों की बात करें, तो हमें स्टूडेंट और यूथ की बात करनी पड़ेगी। 55% लोग नौजवान हैं इस देश में, लेकिन क्या भविष्य है उनके सामने? करोड़ों लोगों के पास रोजगार नहीं है। जो लोग स्टूडेंट आज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनकी क्या स्थिति है?
यूनिवर्सिटी के अंदर लगातार कास्ट प्रैक्टिस किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस देश के अंदर यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को बचाया जाए और जो उनका इंटरनल सिस्टम है उसको डेमोक्रेटाइज किया जाए। डेमोक्रेटाइज करने के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि दलित, आदिवासी, पिछड़ाएँ, पिछड़े और महिलाएँ, उनका रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया जाए। और जब वो एक बार एडमिशन ले लेते हैं तो अपनी पढ़ाई को ठीक से कर पाएँ, इसके लिए ज़रूरी है कि यूनिवर्सिटी को प्रॉपर फंड दिया जाए। लेकिन बहुत शर्मनाक है कि इस बार के बजट में भी 17% बजट कट किया गया है हायर एजुकेशन के द्वारा, और नए नए कानून ला करके, जैसे रूसा जैसे कानून ला करके, जो पब्लिक फंड है उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को अपनाने की ज़रूरत है ताकि हमारा कैंपस गुरुकुल ना बने जहां कोई द्रोणाचार्य किसी एक क्लब से अंगूठा ना मांगे। इसके लिए ज़रूरी है कि हर यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल होना चाहिए। जो टीचरों की बहाली होती है उसमें प्रॉपर रोस्टर सिस्टम को लागू किया जाना चाहिए, और जो लोग कमज़ोर बैकग्राउंड से कोटा के तहत आते हैं उनको अपनी पढ़ाई ठीक से कर सके, इसलिए इसके लिए वर्नाकुलर लैंग्वेज में उनके लिए पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। सिलेबस का डेमोक्रेटाइजेशन होना ज़रूरी है। कोटा का जो नियम है, रिजर्वेशन की जो पॉलिसी है, उसको हमको प्रॉपर लागू कराना चाहिए, और टीचर स्टूडेंट जो प्रोपोर्शन है उसके रिजर्वेशन को ध्यान देना चाहिए, और तब भी अगर कोई समस्या कैंपस में आती है जाति को लेकर के, उसको एड्रेस करने के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल होना चाहिए, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल होना चाहिए। ये तमाम सवाल यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के हैं। जब हम यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई करके बाहर जाते हैं तब सवाल आता है रोजगार का, और रोजगार में भी हमको एफर्मेटिव एक्शन को लागू कराना पड़ेगा, रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू कराना पड़ेगा, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी ही इस देश के अंदर छुआछूत को ख़त्म कर सकती है, पितृसत्ता को ख़त्म कर सकती है, और समाज में हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें न्याय की बात की गई है, समानता की बात की गई है, धर्मनिरपेक्षता की बात कर रही है, उस तरह के भारतीय राज्य की हम स्थापना कर सकते हैं, और यही किसी भी भारतीय का गोल होना चाहिए, और ऐसा सोचना और ऐसा करना ही देशभक्ति है, यही देश के प्रति हमारा प्यार होना चाहिए। और जब हम इन सवालों को उठाते हैं तो रोजगार के सवाल हमारे सामने, शिक्षा के सवाल हमारे सामने, स्वास्थ्य के सवाल हमारे सामने प्रोमिनेंटली बन के आते हैं। जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब हम रोजगार की बात कर रहे हैं, तब हमें शिक्षा के साथ साथ रोजगार में भी रिजर्वेशन की बात करनी चाहिए, और वो रिजर्वेशन सिर्फ पब्लिक सेक्टर में नहीं, वो रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए, ताकि अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जाए, ऊंच नीच को ख़त्म किया जाए, और मनीवादी व्यवस्था को ख़त्म किया जाए, और जो लोगों के बेसिक राइट्स हैं उसको इंश्योर करने के लिए वेल्थ का डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन का डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए, और इन डेमोक्रेटाइजेशन से इस देश के जो दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक और महिलाएं हैं उनके रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर करके हम एक जेंडर जस्ट और सोशल जस्ट सोसाइटी बना सकते हैं। यही एक ट्रू डेमोक्रेटिक नेशन का बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है। यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, फूले पेरियार, भगत सिंह, गांधी, नेहरू, विवेकानंद, कबीर और गुरु नानक के सपने को सच कह करने जैसा हो सकता है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं, ऐसा देश बना पाते हैं, इस दिशा में हम आगे बढ़ पाते हैं, यही देशभक्ति है, यही राष्ट्रभक्ति है। अगर इसके इतर कुछ भी कहा जा रहा है, मुझे लगता है कि वो राष्ट्रभक्ति नहीं, वो राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों के जो बिनवादी सवाल हैं उससे भटकाने की एक साजिश है। हम नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि जब भी आपसे कोई राष्ट्र का सवाल करे, आप लोगों के सवाल को सामने लाइए, और इस देश के अंदर जो लूट है उस लूट के खिलाफ एकजुट होइए, और 99% वर्सेस 1% की जो लड़ाई है, 99% के पक्ष में बोलना ही राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। नौजवानों की एकता जिंदाबाद। हमारी एकता।